नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऐप के बारे में जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो अगर किसान भाइयों आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी नई नई वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके काम आती हैं, और कम समय में मैं अच्छे से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो किसान भाइयों, ढेर सारे किसान आज के समय में स्मार्टफोन चला रहे हैं, महंगे महंगे फ़ोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात आती है कि खेती से जुड़ी जानकारी हम कहां पर अच्छे से अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐप जिनकी मदद से हम मोबाइल का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ऐप लेके आया हूँ जो कि मेरे लिए भी काफ़ी मददगार रहे हैं, कई सारे किसान भाई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और ढेर सारे किसानों को हमें कोशिश करनी है कि हमें उससे जोड़ना है। तो किसान भाइयों, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत जानकारियां देते हैं, लेकिन मैं जिन ऐप के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं वहां पे हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऐप जिसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये है डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट ऐप। इस ऐप को ढेर सारे किसान भाई ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। कई सारी ऐसे वीडियो हैं जो कि इस ऐप के बारे में बता रही हैं, लेकिन वो लोग इस ऐप को कहां से डाउनलोड करना है ये नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। तो किसान भाइयों, ये ऐप जो सबसे ऊपर आपको सबसे पहला दिख रहा है ये है खेत नापने का सबसे सटीक ऐप। दरअसल किसान भाइयों, ढेर सारे किसान इस ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो लोग को पता है, लेकिन अब अगर वो प्ले स्टोर पे देख रहे हैं तो उन्हें ये ऐप बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐप इतना अच्छा है। तो किसान भाइयों, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको और इसके बारे में डिटेल में जानना है, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसकी बना के डाली है, आप बाजू में आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप इस ऐप पर क्लिक करेंगे ये ऐप खुल जाएगा। मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक सेटिंग है तो ये ऑटोमेटिकली जो GPS है उसको चालू कर देता है। GPS किसी के मोबाइल में लोकेशन के नाम से होता है, तो GPS या लोकेशन जिस नाम से भी आपके मोबाइल में हो आप इसमें चालू कर दीजिए। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो आपको मैनुअली जाके ऊपर यहां से ऐसे जाके ये देखिए GPS करके जो लिखा हुआ है मेरे मोबाइल में इसको आपको ऑन करना होगा। तो आप जैसे ही ऑन करेंगे कुछ देर आपको इंतज़ार करना होगा। कई लोग बोलते हैं हमारे में चल नहीं रहा, हमारे में चल नहीं रहा, तो आपको 5 से 10 मिनट इसको इंतज़ार करना होगा। ये जो लाल कलर से लिखा आ रहा है अवेटिंग सिग्नल, ये ऑटोमेटिकली हरा हो जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा रेडी टू यूज़। तो जब तक चलिए हम सेट कर लेते हैं डिस्टेंस, जो कि आपको मीटर में रखना है मीटर में रखिए, किलोमीटर में भी आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल मीटर सही रहता है, क्योंकि हम जो खेत नापने वाले हैं किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर्स में ही होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एरिया पर। एरिया आपको अलग अलग दिए हुए हैं, मीटर स्क्वायर दिया है, हेक्टेयर दिया है, किलोमीटर दिया है, फिट स्क्वायर दिया है, यार्ड स्क्वायर दिया है, एकड़ दिया हुआ है, मिली स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे एकड़ में सेट कर देते हैं। तो सेटिंग ये तकरीबन पूरी हो गई, अब हमें इंतज़ार करना है थोड़ी देर। ये लाल से हरे रंग पर लिखा जाएगा रेडी टू यूज़, तो आप 2-4 मिनट इंतज़ार कर लीजिए। तो देखिए मात्र 2 से 3 मिनट का इसने समय लिया होगा और यहाँ पे लिखा आ गया ग्रीन कलर से रेडी। तो किसान भाइयों, कई बार कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो आप लोग थोड़ा सब्र करके देखिए, ये ऑटोमेटिकली लाल से हो जाएगा हरा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें स्टार्ट वाले ये जो लिखा है स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपको खेत के चौकोर चक्कर लगाने होंगे। जैसा भी आपका खेत का एरिया है आपको खेत के बाहर बाहर बार बार घूमने होगा। आप एकदम अगर मेड़ जो होती है उस पर अगर आप घूमेंगे, या जो बॉर्डर हम जैसे बुलाते हैं आप उस पर अगर घूमेंगे तो एकदम सटीक आपको मिलेगा। कई बार हम अंदर घूमते हैं तो थोड़ा सा कम आ जाता है, कई बार हम बाहर की तरफ घूमते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। फिलहाल ये जो ऐप है ये आपको यूँ कह सकते हैं एकदम सटीक देता है। अगर आपका नक्शे होते हैं जो ज़मीन के कागज़ होते हैं उसमें दिया होगा, उसमें मात्र डेसिमल का फ़र्क आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 एकड़ का खेत नाप रहे हैं वो आपको 9 एकड़ ही दिखा रहा है, वो आपको 9 एकड़ 99 डिसमिल दिखा सकता है, 90 डिसमिल दिखा सकता है, 10 डिसमिल का इसमें फ़र्क हो सकता है। तो थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फ़र्क इसमें रहता है। ढेर सारे किसान इस ऐप को ढूंढ रहे हैं, भाई साहब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है मैंने, आप वहाँ पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए अब मैं अगर आपको फिर से मैं कहूँगा डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है तो बाजू में आई बटन पे आप क्लिक करके मेरी डिटेल वाली वीडियो पे जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो की तरफ, अगले ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो ऐप है वो है कृषिफाई। जी हाँ किसान भाइयों, कृषिफाई एक काफ़ी अच्छा ऐप है। तो देखिए इसमें हमारी भी आईडी है, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे स्टार किसान करके, ये एक भाई साहब है अपने जो कि ढेर सारी ऐसी वीडियोस भी इस पर डालते रहते हैं, फोटोज भी डालते रहते हैं, नई नई जानकारी साझा करते रहते हैं। ये आप ये समझ सकते हैं किसान भाइयों का ये फेसबुक है जो कि किसान भाई खुद चलाते हैं। एक किसान दूसरे किसान की समस्याओं का हल ढूंढ के देते हैं या फिर अपने अपनी जो तजुर्बे हैं उनको शेयर करते हैं। ये देखिए, ये किसी किसान भाई ने वीडियो डाल रखी है, किसी ने अपनी फसल की वीडियो डाल रखी है, गेहूं 303 वैरायटी इसमें जो है उसकी उनकी उन्होंने वीडियो डाल रखी है, और अलग अलग ढेर सारे लोगों ने अपने अपने पोस्ट करके रखे हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ऐप को, काफ़ी बढ़िया ऐप है। मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी समय हो गया जुड़े हुए, तो इसमें मुझे नई नई जानकारी मिलती रहती है। अब इसमें अगर मान लीजिए आपको अपना कुछ शेयर करना है, अपनी कुछ जानकारी देनी है, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने ही एक वीडियो को पोस्ट करता हूँ। फिलहाल इसमें आप YouTube की वीडियो डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं प्लस करके जो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए, तो इसमें लिखा हुआ है पोस्ट करें, तो आप पोस्ट करें पे क्लिक करिए। हिंदी में ये ऐप है, आपको अलग अलग भाषाओं में भी मिल जाता है, फिलहाल ये हिंदी में चल रहा है अभी। तो आपको पोस्ट क्या करना है, आप उसका डाल सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल्स डाल सकते हैं, माइक पे क्लिक करके आप बोल के भी लिख सकते हैं, और गैलरी पे जाके कोई सी भी फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम गैलरी पे जाके एक कोई सी फोटो सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मेरे गेहूं है, इनकी मैंने फोटो सिलेक्ट करी, और यहां पर मैंने लिखना चालू करा WHEAT वीट 3 पानी की फसल, तो ये मैंने लिख दिया, और इसको अब मैं कर दूंगा पोस्ट करें। तो ये पोस्ट करें पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया। तो ये देखिए ये फोटो जो है ये पोस्ट हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं सामने आ चुकी है। आप इस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जाके इसको शेयर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये ऐप भी काफ़ी अच्छा है। ये जैसा कि मैंने बताया किसानों का फेसबुक है, स्वयं किसान भाई इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, दूसरे नंबर पे इसका नाम लिखा हुआ है कृषिफाई करके ये ऐप है। यहाँ पर आप देखिए कृषिफाई ज्ञान करके भी लिखा हुआ है, आपको अलग अलग पशुओं की जानकारी मिल जाएगी, समाचार मिल जाएंगे अलग अलग, गेहूँ की वेराइटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, अलग अलग फसलों के बारे में पता चल जाएगा, सवाल जवाब पे भी आप जा सकते हैं, कई लोग सवाल पूछते हैं तो उसमें लोग उसके जवाब देते हैं। कई कृषि वैज्ञानिक भी इस ऐप से जुड़े हुए हैं जो कि लोगों की समस्याओं को बताते हैं, कई जो फर्टिलाइजर्स कंपनी हैं वो लोग उनके नए नए फर्टिलाइज़रों के बारे में, नई नई दवाइयों के बारे में बताते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी फसल में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये दूसरा ऐप है जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता था। अब तीसरा जो ऐप है वो एक नामी ब्रांड है जो किसानों के बीच में काफ़ी समय से चला आ रहा है, वो है इफ्कू। जी हाँ, इफ्कू अपना खुद का एक ऐप चलाता है जिसका नाम है इफ्कू किसान। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ये ऐप खुल जाएगा, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप क्लिक करके ज़रूर डाउनलोड करिए। तो ये ऐप मैंने अभी डाउनलोड करा है, तो इसमें आपको देखिए अलग अलग भाषाएँ मिल रही हैं, पंजाबी, मलयालम, बंगाली, उड़ी, हिंदी भी इसमें दी हुई है, इंग्लिश भी इसमें रहता है। तो फिलहाल मैं इसे इंग्लिश में सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसमें आप अलाउ कर दीजिए सभी चीज़ों को, आपके मोबाइल नंबर वगैरह ये लेकर इसमें आपको अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम अभी इफ्कू ऐप पर हैं, तो यहाँ पर स्टेट आपका ये पूछ रहा है, अपन स्टेट डाल देते हैं, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ भोपाल, या रायसेन मैंने डाल दिया, रायसेन सबमिट। आप इसमें अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं आप वो डिटेल्स भर के। अब देखिए सामने ये ऐप खुल चुका है, अगर आप चाहें तो आप वेदर की जानकारी भी ले सकते हैं। ये आप अपने जो मोबाइल में वेदर होता है
वो इतनी सही जानकारी नहीं देता जितनी सही जानकारी यह ऐप आपको देता है। तो ये देखिए 18 फरवरी का ये आपको बता रहे मौसम, 19 फरवरी के लिए, 20 फरवरी के लिए। तो इफ्को की जो जानकारी है वो हमेशा सटीक होती है, काफ़ी अच्छी जानकारी ये देता है। आप इसमें बाय और सेल पे करके भी खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं। नंबर आपको दिए हुए हैं, आप अपने अपने जगह के आपके जो स्टेट हैं आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर खरीदने का दिया हुआ है और आप सेल करना चाहे सेल भी कर सकते हैं। शॉप की भी जानकारी दी है, फाइनेंस सर्विसेज भी दिए हैं, इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। इसमें देखिए आप ट्रैक्टर के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, लोन के जो भी व्यक्ति होंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं, अपने फसल वगैरह का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप इस ऐप के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए किस ऐप के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं। फिलहाल खेत नापने वाला जो ऐप है उसकी मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये इफ्को किसान करके जो ऐप है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये अपनी खेती करके एक ऐप है, ये भी काफ़ी बढ़िया ऐप है, ये भी इफ्को की तरह ही एक ऐप है। तो ये देख सकते हैं इस ऐप की मदद से आपको अलग अलग जो कृषि वैज्ञानिक है वो आपको अलग अलग जानकारी देते रहते हैं समय समय पे, आप जानकारी भी ले सकते हैं। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं, पशुपालन को लेकर हर चीज़ के इसमें अलग अलग जानकारी दी है, जैविक खेती कैसे करें और भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसमें आपको मौसम की भी जानकारी दी गई है, ये काफ़ी हद तक इफ्को ऐप की तरह है लेकिन इफ्को ऐप के जितना सटीक नहीं है। दरअसल इफ्को ऐप की बात ही अलग है। फिलहाल आप इसमें देख सकते हैं लाइव स्टॉक वगैरह, मंडी के जो रेट वगैरह चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। इसी का एक और ऐप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी खेती बाय एंड सेल करके एक ऐप है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं पॉली हाउस करके लिखा हुआ है और अलग अलग चीज़ों के इसमें ऐड डले हुए हैं। ये किसी ओएलएक्स की तरह है जिसमें आप खेती से जुड़े सामग्री को बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें अपना पोस्ट ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह पे क्लिक कर सकते हैं। और ये देखिए आपको ये जानकारी दे रहा है, मैंने भी ये पहली बार ऐड डालने के लिए खोला है। तो आप सबसे पहले टाइटल डाल सकते हैं, किस चीज़ का ऐड है, आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, कृषि संबंधित जो भी चीज़ है आप उसको बेच सकते हैं। तो ये अपनी खेती करके ऐप है, आप इसको भी नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब ये है किसान नेटवर्क, कृषि नेटवर्क भी एक काफ़ी जाना माना और काफ़ी पुराना ऐप है, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि कोई भी इसमें अपने मैसेज वगैरह नहीं भेज सकता है। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो लोग ही अपने वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, फ़ोटोज़ भी पड़ी हुई हैं। ये काफ़ी हद तक कृषिफाई ऐप की तरह है लेकिन इसमें आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप केवल जानकारी देख सकते हैं। इस ऐप की खासियत ये है, इसमें जो भी वीडियोज़ आपको मिलेगी वो हमेशा सही होती है, अच्छी वीडियोज़ होती हैं, आपको आलतू फालतू की वीडियोज़ इसमें नहीं मिलती है। बल्कि किसान नेटवर्क में कई लोग आलतू फालतू की फ़ोटोज़ भी डाल देते हैं क्योंकि हर कोई उस ऐप को चला रहा है। फिलहाल किसान नेटवर्क में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कृषिफाई ऐप में कुछ ऐसा होता है, वो फेसबुक की तरह है। ये किसान नेटवर्क केवल कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि इसको चला रहे हैं, नई नई जानकारी ये लोग साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं अपने। और यहाँ पर आप देखिए खेती से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, मौसम से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप ये है। तो किसान भाइयों, मैंने आज आप लोग को बताया ऐसे 5 ऐप जो कि आप लोग के काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला था खेत नापने वाला ऐप, दूसरा था कृषिफाई, तीसरा इफ्को किसान, और चौथा जो था अपनी खेती ऐप है। इसमें 2 ऐप हैं इनके, अपनी खेती वालों के, एक बाय एंड सेल करके है, वो ओएलएक्स की तरह है जिसमें हम पुरानी चीज़ें खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, और एक और है कृषि नेटवर्क। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ढेर सारी काम की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ हमेशा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी कोई भी अगर आपके सवाल है, मैं और भी ढेर सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तो अगर आपके कोई सवाल वगैरह आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।